डाइप इन्वेस्टिगेट मेथड है, डाइप मेथड एग्जामिनेशन इज अ एग्जामिनेशन फॉर द सरफेस कैप ओनली. नाउ दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स ऑन सरफेस ऑफ नॉन पोरस मटेरियल्स. मींस जो सरफेस में पोरोसिटी है उसमें हम डिपेंडिंग नहीं कर सकते और सरफेस पे कर सकते हैं, इससे हम लोग नहीं कर सकते. The second one is non-deep dive testing can be used for various ferrous and non-ferrous material such as aluminium, brass, cast iron, copper and ceramic. इसमें हम लोग टेस्ट कर सकते हैं. डीपीटी प्रोसीजर क्या है उसके बारे में जानते हैं. प्री क्लीन जरूरी है. रिमूव डस्ट, डर्ट, ग्रीस, ऑयल, ऑक्साइड फिल्म यूजिंग पेनिटेंट रिमूवर. तो ये क्लीनिंग बहुत जरूरी है अपने को. यदि क्लीन है तो क्या होगा, कोटिंग विल बी ऑन द सरफेस एंड देयर आर वेरी रेयर चांस टू इंटरैक्ट द डाई इन द क्रैक. कैच में डाई जाएगी तो आपको क्रैक जब डस जाएगा आपको क्रैक नहीं मिलेगा. ये जो है क्लीनर है, आगे प्लेट में क्लीन किया उसने, उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई पेनिटेंट. अप्लाई डार्क इंटेंसिटी एंड वेट फॉर 10 मिनट्स एज अ डुअल टाइम. देयर इज टाइम फॉर द डाय टू इंटर इन द क्रैक. मैंने आपको बोला था टाइम फॉर द डाय टू इंटर इन द क्रैक. ये डाय है, डाय स्प्रेड किया प्लेट के ऊपर. उसको निकालना है. अप्लाई डेवलपर स्प्रे थीन, स्प्रे थीन कोटिंग ऑफ डेवलपर ऑन द पार्ट बीइंग एग्जामिन्ड. हमें डेवलपर स्प्रे करना, थीन थीन लेयर करना है ताकि जो क्रैक के अंदर जो डाय गया है उसको बाहर खींच ले. तो ड्राई एक्शन, ब्लॉटिंग एक्शन हो जाएगा और डाय जो है जाता है अंदर क्रैक के अंदर, वो कौन सा कैपिलरी एक्शन. द डाय गोज इनटू द क्रैक टू डू कैपिलरी एक्शन एंड एक्सेप्ट पुलिंग आउट द डाय फ्रॉम द क्रैक इज अ ब्लॉटिंग बाय डेवलपर. नाउ दिस इंडिकेशन क्या होता है, इंस्पेक्ट फॉर एनी डिफेक्ट्स अंडर सनलाइट, क्रैक विल बी जिग-जैग इन मैनर. ये जो इधर क्रैक दिखा रहे हैं आपको, क्या रहेगा, या छोटा क्रैक है तो क्रैक दिखा रहे हैं.